अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज मैं आई हूँ बहुत दिन के बाद अपना व्लॉग लेकर। ये मेरा व्लॉग पिछले बहुत दिनों का छोटे छोटे क्लिप इकट्ठा करके मैंने बनाया है, तो क्या क्या बना है वो आप लोग देखिए और कैसा लगा वो आप लोग बताइएगा। क्योंकि पिछले दिनों तो मेरे चल रहे थे एग्ज़ाम और इस टाइम आ रही है बहुत तेज़ आंधी, उसकी आवाज़ सुनिए। देखिए बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी आ रही है, सारी कारपेट वगैरह फोल्ड हो गई है हवा से। तो आजकल चल रहे हैं अफनान के एग्ज़ाम, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं कुछ भी व्लॉग बनाऊं और उसको फिर एडिट करूं फिर अपलोड करूं। तो इसलिए मुझे सारा ध्यान अफनान की पढ़ाई पर देना था और साथ ही साथ मेरे एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए हैं। तो इधर जैसे ही अफनान के एग्ज़ाम कम्प्लीट होंगे तो उसके बाद मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा इस टाइम टेंशन हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे सर में थोड़ा सा दर्द भी रहने लगा था। क्योंकि मैं थोड़ी सी भी टेंशन लेती हूँ तो मेरे सर में दर्द होने लगता है, सर्वाइकल पेन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ अफनान स्कूल जा रहे हैं, मैं और उनके अब्बा अफनान को छोड़ने सी ऑफ करने आए हैं। उसके बाद शाम में फिर मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ क्योंकि मेरे गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो ये है डॉक्टर के यहाँ का क्लिप जहाँ मैं माहिरा को लेके गई थी। अफनान को छोड़ दिया था मैंने घर पे क्योंकि उनके ट्यूटर बैठे, अफनान अपनी घर पे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए उनको वहीं छोड़ दिया था मैंने। और यहाँ पर मेरी थेरेपी चल रही है तो थेरेपी हो जाती है। उसके बाद हम गए मोबाइल शॉप पर, वहाँ मैंने अपना और इनका मोबाइल ठीक हुआ हमारा, और साथ ही मैं ले गई थी अफनान का टैबलेट क्योंकि अब अफनान के एग्ज़ाम लगभग ख़त्म हो गए हैं। ये दूसरे दिन तीसरे दिन का क्लिप है, मुझे याद भी नहीं है कौन सा क्लिप किस दिन का है। तो अफनान का टैबलेट सही होने में थोड़ा वक्त था तो हम लोग आ गए पास वाली शॉप पर। वहाँ पर हमने कुछ अपने ज़रूरत का सामान ख़रीदा जो मुझे चाहिए था, ब्रेड वगैरह ली और बच्चों की थोड़ी खाने पीने की चीज़ें ली। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने और इन्होंने आइसक्रीम खाई। सिस्टम हो गई है रात और रात के बज रहे हैं 9, तो यहाँ हम लोग जल्दी जल्दी से जा रहे हैं मार्केट अफनान के स्कूल से। अभी आधा घंटे पहले मैसेज आया है कि कल अफनान की जो समर कैंप की क्लासेस हैं उसमें अफनान को लोअर टी शर्ट पहनना है, तो इसलिए अफनान के पास नया लोअर नहीं था कोई, तो हम लोग अफनान के लिए न्यू लोअर लेने जा रहे हैं और माहिरा साथ में जा रही है। फ्रेंड्स यहाँ पार्क के पास देखिए कितनी ज़्यादा रौनक होती है, इतना रश होता है रोज़ और शाम में, यहाँ पर अच्छा भी बहुत लगता है। यहाँ हम लोग आ गए हैं मॉल में, यहाँ मुझे अफनान के लिए लोअर लेना है और साथ में आई हैं माहिरा। तो माहिरा तो अपने ज़्यादा मतलब अपनी एज से ज़्यादा शॉपिंग करने की कोशिश करती हैं, वो हर चीज़ सजेस्ट करती हैं कि अम्मा ये ले लीजिए वो ले लीजिए। आगे देखिए माहिरा भी अपने हिसाब से शॉपिंग कर रही हैं। क्या ले लूं? ले लो भाईरा, बहुत छोटी बेबी की है ये तो साइज, ये बहुत छोटे बेबी का बेटा। कैसा लग रहा है माहिरा के लिए? अल्लाह हाफिज़। तो आज अफनान के समर कैंप का फर्स्ट डे है तो अफनान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अफनान जा रहा है स्कूल। अफनान कैसा लग रहा? बहुत ज़्यादा खुश हैं ये तो कि आज स्कूल में पढ़ाई नहीं करनी है, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आज स्कूल में इन्हें पढ़ाई नहीं करनी है। अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ माहिरा सो रही हैं और यहाँ मैंने स्टडी टेबल अपनी लगा ली है, जब तक मैं थोड़ी सी अपनी स्टडी कर लूँगी। माहिरा सो रही है तो मैंने इस टेबल को टच भी कर लिया, वरना माहिरा अपनी टेबल किसी को भी टच नहीं करने देती है। तो यहाँ रात में अचानक से माहिरा की तबीयत ख़राब हो गई है, तो आज संडे का दिन है तो डॉक्टर भी नहीं बैठे हुए हैं, तो हम लोग इमरजेंसी में दिखाने आए हैं। जो भी जूनियर डॉक्टर वगैरह बैठे थे हमने उन्हें दिखाया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है दिखाने के बाद माहिरा काफ़ी ठीक हो गई थी। लो लो लो, लो। तो आज अफनान का समर कैंप का लास्ट डे है। अफनान को आज येलो कलर में जाना था तो अफनान ने आज ये येलो टी शर्ट पहनी हुई है और ये पैरट ग्रीन कलर का कैप लगाया हुआ है। सामने से तो दिखा दो कैसा लग रहा है। अल्लाह हाफिज़।
तो सारे एग्ज़ाम हो गए हैं फिनिश, मेरे भी एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और अफनान के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए हैं। तो हमारे बहनों हम लोग को मेला दिखाने ले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब भी समर में वेकेशन पड़ती हैं, बच्चों की छुट्टियाँ पड़ती हैं, तो यहाँ पर मेला ज़रूर लगता है। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं घूमने आज। ये बच्चे तो पहले भी घूम चुके हैं, लेकिन आज हम और अफनान भी साथ में जा रहे हैं। माहिरा भी हैं, मेरे हस्बैंड नहीं हैं, हम अपने बहनों के साथ और सिस्टर के साथ जा रहे हैं। तो आज आप लोग को मेले का भी एक व्यू दिखाएंगे। इतनी ज़्यादा रश है, तो चलिए देखते हैं और आप लोग भी इंजॉय करिए हमारे साथ। हम लोग ने तो फिलहाल बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। इस बार मेले में ऊँट भी आया हुआ है, तो लोग इसकी भी सवारी करते हैं। इसका भी टिकट लगता है और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं इस पे नहीं बैठी हूँ, बच्चे बैठे थे। और यहाँ हम लोग ने खाई बहुत अच्छी सी, बहुत टेस्टी थी पानी पूरी हर फ्लेवर की थी। और उसके बाद हम लोग ने उसके बाद लस्सी पी। लस्सी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा यमी थी। बच्चों ने नहीं पी, हम लोग ने बड़ों ने पी थी। और इसके बाद नंबर लगा है झूला झूलने का। बच्चे पहले भी बहुत ज़्यादा झूला झूल चुके हैं। बाकी यहाँ यहाँ पर बोटिंग भी हो रही है। बोटिंग के लिए मायरा बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी बैठने के लिए, बट मायरा की एज अभी कम है तो इतने बड़े बच्चों को नहीं बिठाला जा रहा था। लेकिन मैंने उनसे कहा तो उन्होंने अफनान के साथ ही अफनान की बोट में उसको बिठा दिया था। तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय कर लिया। मायरा बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मायरा अकेली भी नहीं बैठ सकती थी, तो इसलिए उनके भाई के साथ उनको बिठाला। जो भैया थे वो खैर एग्री हो गए, उन्होंने बिठा दिया मायरा को। मायरा ने फुल्ली इंजॉय किया, मुझे बहुत खुशी हुई। और इधर दूसरी बोट में बैठे हैं फुज़ैल, और इधर बैठे हैं अफनान और माहिरा। बाकी सारे बच्चे इतना ज़्यादा उधम मचा रहे, इतने ज़्यादा खुश हैं। और वो बड़े वाले तो आपने देखा, उस वाले झूले पर जंपिंग कर रहे हैं। तो माहिरा को बस इसी झूले पर बैठना था, उसके बाद माहिरा बैठी अपने फेवरेट झूले पे, वो है उनका ट्रेन। तो माहिरा कहीं भी जाती हैं, माहिरा ट्रेन में जरूर बैठती हैं। तो यहाँ लास्ट में हम लोग आ गए हैं आइसक्रीम खाने के लिए। बस आइसक्रीम खा के हम लोग यहाँ से निकल गए। तो फ्रेंड्स, ये मेरे बहुत दिन का व्लॉग था। जो कुछ वीडियो मैंने बनाई थी उन सबको एडिट करके आज मैंने एक व्लॉग बना ही दिया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।